Hey guys, you all know that Rodaika 1000 has been died due to a road accident. After some days, BRY's Swami, his co-rider, came to Dehradun. He also wanted to tell about Amir Majid that Amir was responsible for that accident. Let's watch what he wanted to tell. Let's see the full video of his voice. Don't skip. Please watch full video. मेरे साथ बरसों भी बात हुआ था, पापा के साथ भी तो बात होता है, मतलब अगस्त का पापा के साथ। हाँ, क्यों नहीं बात होता, व्हाट्सएप में बात होता है। उसका जो जूता वगैरह था कुछ डिलीवर करना था, रात अंकल को अंकल से बारे में बात किया, उसने परसों भी बात हुआ था अंकल से। अच्छा, उसका आपका कनेक्शन है? हाँ हाँ, कनेक्शन है भाई, कनेक्शन है, मतलब कि व्हाट्सएप में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, बट फ़ोन में नहीं लगता है। हाँ वो तो बात है, जैसे कि आज मैं आया, मेरे से भी कुछ लोगों, मतलब इनके फैमिली वाले ने जो चीज़ क्लियर नहीं था वो चीज़ पूछा। मैंने भी बोला, देखो मेन कारण ये है कि रात को किसी ने नहीं सोया था, सो जाता ना कुछ सीन नहीं होता। मैं सबको मना किया था कि ब्रो रात भर नहीं सोए, सुबह को जेवर जाएंगे कुछ 120 किलोमीटर, फिर वहाँ से रिटर्न आते आते 9-10 बज जाएंगे, दिल्ली के ट्रैफिक में फंस जाएंगे भाई, नींद आ जाएगा, फिर क्या होगा सोचोगे, गाड़ी कैसे चलेगा। तुम सोचो कि रात भर तुमने नहीं सोया है, उसके बाद राइड पे गए, रिटर्न आते वक्त धूप, इतना कड़ा धूप, ठीक है, आँख तुम्हारा नहीं चलेगा भाई, काम ही नहीं करेगा दिमाग, ब्रेन नहीं काम करेगा। और ये चीज़ ना, मतलब मैं कलकत्ता में राइड करता हूँ ना, तो कभी कभार क्या होता है ना कि भाई सुबह को राइड पे नहीं जा पाऊंगा, इसलिए रात को सोता ही नहीं कभी कभार। बड़े राइडर आपके पास नहीं, ऐसा बड़े राइडर का बात नहीं है, तो एक्सपीरियंस का बात कर रहा हूँ कि रात को कभी कभार ऐसा होता है कि भाई सुबह को नहीं उठ पाऊंगा, कोई बड़ा राइड है तो नहीं सोते, फिर उसके बाद ना उस चीज़ का असर ना मैं नेक्स्ट दिन सुबह को मालूम चलता है कि 9-10 बजे भाई इतना नहीं आता कि घर तक नहीं पहुँच पाते, बार बार आँखें लग जाता है। तो यही चीज़ मैंने उस दिन सबको मना किया था, बट वो एक ही सबको कंटेन बनाना था भाई, ठीक है। अब नसीब में जिसका लिखा हुआ क्या, मतलब अगस्ता भाई, अगस्ता को मैंने भी मना किया था कि भाई मत जाओ, वो भाई यार दिल का बहुत साफ था, वो बोल रहा था सैमी भाई चलो ना यार R1 लिए, ठीक है एक कंटेंट बनाएंगे आराम से, तो अब वो हंसते भाई बात कर रहा था, क्या बोलूँ उसको। आमिर की बात ज़्यादा मानता, आमिर के बात को ज़्यादा मानता था, ठीक है, वो किसी का बात नहीं, किसी का अगर मैं भी बोलता वो नहीं सुनता था, वो सिर्फ आमिर का बात ही सुनता था, ठीक है, क्योंकि उसके साथ पहले कनेक्शन, उसकी दोस्ती उसका ही हुआ था ना। वो चीज़ जो बोले थे आप, जैसे राइडर जो लोग बोल रहे 300 की स्पीड पे स्टंट मारते हैं, बाइक का ये हो गया, नहीं यार एकदम गलत है भाई, कुछ लोग तो भाई एक्सीडेंट के, हाँ हाँ वो तो फुटेज में आया है, और टॉल के बाड़ी मारा था 300 की स्पीड, ऐसे तो भाई बहुत कोई व्हीली वगैरह वहाँ पे मारता है, बट वो घोपड़ों में किसी ने नहीं दिखाया है। एंड वो चीज़ है कि 300 वगैरह जो, हाँ भाई वो तो साइड से किसी ने फोन से किया हुआ, क्या स्पीड रही होगी बाइक की आपके पास? मेरे ख्याल से ना भाई, टू बी ऑनेस्ट एज अ राइडर के हिसाब से, जैसे मैंने को देख के जैसा लग रहा है ना, देखिए जैसे लास्ट जो फुटेज था, अचानक से GoPro का जो फुटेज था ना, जो पुलिस ने अपलोड किया था जो लास्ट GoPro उसका, अचानक से ना वो बंद हो गया, अचानक से बंद हो गया, क्योंकि अगर GoPro हम लोग ऑफ करते ना तो राइट हैंड आके ऊपर से बंद करते, अचानक से बंद हो गया, तो उसमें ऐसा लग रहा है मेरे को कि वो बैटरी बंद हो गया एंड GoPro वहाँ पे ऑफ हो गया, वीडियो कट हो गया, एंड हो सकता है कि बैटरी बंद हो गया, उसको बाद में मालूम चला, एंड वो ना स्लो होके लेफ्ट साइड हो रहा था, एंड उस रोड पे हाई स्पीड में अगर मान लो कि तुम 200 के या 150 के स्पीड में जा रहे हो, अचानक से स्लो हो जाओगे तो पीछे का गाड़ी भी वो ना नहीं कर पाएगा, एंड मेरे ख्याल स्पीड गाड़ी चलता है बहुत, मतलब सिर्फ बाइक का बात नहीं, वो कार भी भाई 180-90-200 के स्पीड में चलते हो, स्पोर्ट पे गए भी थे ना जहाँ पर, वहाँ तो गाड़ी मतलब 120 से नीचे लग रहा, वही मेन बात है, तो वही मेरे ख्याल से वो लग रहा है कि बैटरी बंद हो गया होगा, उसने बैटरी चेंज करने के लिए लेफ्ट साइड या राइट साइड ले रहा होगा, पीछे से कोई गाड़ी हिट कर जाए, क्योंकि गाड़ी का देखो, गाड़ी का वो सीन है ना कि पीछे का जो उसका एलॉय बेंड हुआ है ना, एलॉय इतना कैसे बेंड हो सकता है, वही ना वही आपको क्या लगता है, क्योंकि वही मेन बात है, किसी ने हिट किया है इसीलिए एलॉय बेंड हुआ है, नहीं तो एलॉय बेंड होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, हाँ इतना हाई बंप है, नहीं होता नहीं है भाई, बंप से ना मैं बता रहा हूँ, वो भाई टेनार है भाई, डेजर्ट टेनार 18-19 लाख का बाइक है, ऐसे मटेरियल से नहीं बनता, वो चीज है कि भाई उसको किसी ने हिट किया तभी वो इतना बेंड हुआ है, और अगर 200 की स्पीड में भी अगर गिरता ना भाई, बाइक का भाई सब कुछ पता हो जाता, ठीक है, वो इंजन और चैसी ना अलग हो जाता भाई, हाँ नहीं भाई मेरे को नहीं लगता अगस्ता बहुत हिसाब, मेरे हिसाब से मैंने भी राइड किया है, वो मतलब एक्सपीरियंस था,
मुझे नहीं लगता है कि वो पहाड़ी बंदा था भाई। अब तुम लोगों को मालूम है पहाड़ी बंदे कैसे चलाते हैं, कितना एक्सपीरियंस होता है। हाँ टेनार्ड का वो बीमारी है भाई, टेनार्ड का वो बीमारी है, टेम्पर भी कंट्रोल नहीं कर पाया। नहीं उसका वो ना इलेक्ट्रॉनिक टेम्पर्स होते हैं ना यार टेनार्ड में, तो क्या होता है कंट्रोल नहीं कर पाया। नहीं नहीं वो कभी कभार ना वो ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है वो अपने हिसाब से नहीं, वो भाई इलेक्ट्रॉनिक है भाई, वो कभी कभार मेल फंक्शन की वजह से वो ऐसा 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 बहुत किसी का होता है। मेरे अपने खुद के टेनार्ड है, खुद के टेनार्ड में बहुत हाई स्पीड में लाइक 150, 170, 200 ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर करता है, तो हो सकता है वो भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से गिरा है। नहीं लगता मुझे, नहीं लगता मुझे, नहीं लगता कि उसके वजह से गिरा है। ठीक है अगर उसके वजह से गिरता तो कुछ अलग और उसका जो चीज़ें हुआ है कम स्पीड में हुआ है, क्योंकि कम स्पीड में होने की वजह से ना उसका हड्डी वगैरह कोई भी चीज़ पार्ट नहीं टूटा कोई, मतलब ठीक है। हाँ उसका सिर्फ ये मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग ऑफ द डे से ना मुझे ये बोला था सैमी भाई मेरे को एक नया हेलमेट लेना है, कौन सा हेलमेट, तो रेड लाइन रेसिंग स्टोर गए थे जो सीमन किंग भाई का था, उसमें KYT का स्टॉक पड़ा हुआ था। मैंने बोला भाई KYT ले ले 10,000-15,000 का अच्छा है, तो उसके बाद उसने बोला हाँ भाई मैं ले लूँगा, बाइक को रैप कराऊँगा उसके बाद ले लेते हैं, उसके पहले ही भाई ये सीन हो गया। और मेरे को जैसे लगता है कि गाड़ी से वो गिरा डिसबैलेंस होके, कुछ भी होके ऊपर वाला को ही मालूम है गिरा, एंड उसका जो हेलमेट था ना वो निकल गया, फट से निकल गया, एक वो जो हिट है ना उसमें ही निकल गया हेलमेट हमने उठाया था। और ये MT का मैं बता रहा हूँ, MT जो कंपनी है ना भाई सिर्फ दिखने में है भाई, ठीक है उसका कोई बिल्ड क्वालिटी है नहीं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड केस है इंडिया में। तुम सर्च करना 2017 या 18 में एक केरला में बेंगलोर चेन्नई या फिर केरला में एक बंदा KTM RC लेके ट्रैक कर रहा था, एंड उसका सेम ऐसे हेलमेट फट गया था MT का हेलमेट, एंड वो बंदा डेड हो गया था ट्रैक, उसमें एक भी ब्लड का क्लॉट नहीं है। हाँ 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 वो तो निकल गया, हेलमेट निकल गया, पहले ही फट के निकल गया था भाई, हेलमेट पहले ही हट गया था। मेरे ख्याल से तो भाई MT हेलमेट को तो बैन कर देना चाहिए भाई, अगर भाई 6,000-7,000 रुपए का कोई हेलमेट पहने उसके बाद अगर कोई सेफ्टी ना रहे उसका, वो भी इतनी लो स्पीड पे भी सेफ्टी नहीं रहे, अगर 100 के स्पीड में भी भाई अगर सेफ्टी ना रहे तो फिर क्या फायदा। और मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर कोई सुपर बाइक खरीदता ना, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, एटलीस्ट भाई 10-20,000 रुपए का हेलमेट पहने, क्योंकि अगर 20 लाख का बाइक खरीद रहे हो तो तुम्हारा भाई ब्रेन से कीमती कोई चीज़ नहीं है, ठीक है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना तुम 30,000 रुपए भी लगाओ तब भी सही कम है। मेरा तो AGB है भाई, मेरा AGB है पहले स्टार्टिंग से ना, मैंने जब लिया था तब भी मैंने AGB K1 लिया था, अभी मैं AGC में अपग्रेड कर दूंगा, तो वो चीज़ है कि देखो क्या हो जाएगा भाई, एक्सीडेंट में बच जाऊंगा भाई, मतलब ये चीज़ अगर अच्छा हेलमेट पहना रहता, हेलमेट अगर नहीं पड़ता तो शायद से शायद कुछ दूसरा इंजरी हो सकता था, जो भाई तो जिंदा रहता हो सकता था, भाई तो जिंदा रहता ना, तो यही मेन बात है। भाई देखो मेरे ख्याल ने वीडियो डाली, उसने बोला भाई बहुत बच्चा है वो भी, मतलब उसका रास्ता का पता है एज सेम है, भले ही वो लगता थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर है, तुम 2 साल पहले का वीडियो देखना और अभी का वीडियो देखना सेम ही, मतलब 22 साल का ही हूँ बंदा, बट वो मैच्योर्ड है, उससे ज्यादा मैच्योर्ड है, बट मुझे ये लगता है कि वो भी बेचारा ना वो सिचुएशन में डर गया टोटली, क्योंकि वो कभी मेरे से जब भी वो बाहर होटल भी चेकआउट करता ना, मेरे को फोन करके ली सैमी भाई मैंने होटल चेक करता हूँ, मैं उस दिन शॉक हो गया कि भाई मैं जब हम लोग खाना खाने गए थे, हम लोग जब रिटर्न आए तो होटल के जो नीचे जो था रिसेप्शन में, वो बोले कि मानजी तो चेकआउट करके चले गए, रॉयल सैफरन होटल था जितनी अच्छा, मतलब रात को चले गए इसलिए ताकि वो डरे पता नहीं, वो होटल से ना निकल के दूसरा होटल में चेक इन शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया रात को। जितनी भी वीडियोस अभी यूट्यूब पे सब अपने अपने सजेशन दे रहे हैं, तो उससे ना सारा का सारा जो सस्पेक्ट है ना पूरा आमिर माजिद है, क्योंकि अभी तक वो सामने नहीं आ रहा, इमेज भी नहीं आया, क्योंकि उसने वो जो वीडियो डाली ना स्टार्टिंग में, मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, रोते भाई होके फिर तू रुका नहीं और तू आया ही नहीं अभी तक, और आप रुक नहीं रहे हो, नहीं वो तो गलत है, जो दो फुटेज की भी बात हो रही है कि भाई हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि भाई की सेफ्टी उनसे पहले, तो बात है ऊपर से घर से यही बोल के गए थे मेरी जिम्मेदारी है ना, और ये बोलते पापा को मत ले जा, ये चीज मतलब जो भी है उसके हिसाब से एक छोटा सा गलती हो गया उससे कि वो रिटर्न नहीं गया, वो रॉन्ग साइड से भी मार सकता था, रिटर्न आ जाता, ठीक है रिटर्न नहीं भी आता अगर फैमिली के साथ हॉस्पिटल में रहता है ना, जो पुलिस का वो सीन नहीं नहीं बट वो गया था, मैं बता रहा हूँ जो वो जब रिटर्न आया था होटल में कुछ 1-1.5 बजे के करीबन आया था, एंड मैं पहले बोला था कि मैं आ जाऊँ, उन लोगों को मेन ये चीज़ था कि
चार पांच बंदे मिल के ना होटल होटल बोल रहे हो हॉस्पिटल कहाँ पे, वही किसी को कोई फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि कौन सी हॉस्पिटल में लेके गए। मैं बोल रहा हूँ भाई बार बार मैं फोन करके, उन लोगों के पास एक कॉमन सेंस छोटा सा कॉमन सेंस था होता है 100 पे डायल करो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कॉल लग जाता है, ये तो भाई हर किसी को मालूम होता है ठीक है। तो ये उस टाइम में ना उन लोगों के दिमाग में क्लिक ही नहीं किया, ना तो उसको क्लिक हुआ, ना तो उसके साथ जो जाहिर थे हिरक भाई थे, उन लोगों को भी नहीं आता है भाई देखो ये सिचुएशन में नहीं आता है इंसान। तो हाँ, तो अब उस टाइम पे वो लोग जब घर पे आए, उसके बाद जब दीदी को कॉल किया तब दीदी ने बोला कि कैलाश होटल हॉस्पिटल पे है। तो उसके बाद हम लोग चड्डा बोल के मेरा भैया है जो पिट स्टॉप है ना जहाँ पे उसका ओनर है और वेजली का ही का ओनर है, तो उनको मैंने फटाफट फोन किया, उन्होंने चड्डा भैया ऐसा ऐसा सीन हो गया है, फटाफट से उसने अपना कार लेके अपना होटल पे आ गया। एंड उस टाइम पे ऑलरेडी बारिश स्टार्ट हो गया था ठीक है, बारिश स्टार्ट हो गया था, हम लोग ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर आगे गए थे ठीक है। मैं उस टाइम मैं आमिर और चड्डा भाई थे, तीनों बंदे थे, हम लोग आगे गए। देन उनके घर से एक फ़ोन आया, मेरे ख्याल से अंकल ने फ़ोन किया था जॉन अंकल, एंड उसने बताया कि उसका जो बैग है, बैग और आधार कार्ड वो लेके आओ। फिर हम लोग देखो वो बारिश के टाइम में हम लोग गए 30 किलोमीटर आगे, फिर 30 किलोमीटर फिर से रिटर्न आके फिर से वो होटल पे आए, होटल पे आके फिर से उसका बैग वगैरह सामान लिया। तब तक वो जो हीरक भाई थे उसका भी कार आ गया था किया सेंट हाउस, तो हम लोगों ने सोचा कि जाहिर भाई बाकी लोग सारे लोग थे, तो हमने सोचा कि चड्डा भाई बोला कि मैं मेरा थोड़ा काम है मैं चला जाता हूँ, तो हम लोग उसके गाड़ी से शिफ्ट हो गए इसके गाड़ी में। एंड हम लोग उससे हम लोग सीधा वो बारिश में हम लोग जा रहे हैं, मेरे पास तो वीडियो भी वगैरह पड़ा हुआ है, हम लोग गए थे नोएडा तक गए थे। जब नोएडा तक गए बारिश भाई दिल्ली का बारिश चल रहा था, फिर ट्रैफिक वगैरह था ठीक है। फिर हम लोग जब नोएडा में गए तब उस टाइम पे उसका दीदी ने बोला कि अब आने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग बॉडी को लेकर देहरादून आ रहे हैं, तो देहरादून पे आओ। तो जो आमिर हाँ उनको जो ट्रैक पहले से पता था ना कि वो ट्रैक उन्होंने कभी कभी चलाई थी गाड़ी, मुझे नहीं लगता भाई क्योंकि उन्होंने वीडियो में बोला कि यार आगे से 80 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। हाँ वो देखो मैंने जितना देखा है उसका दो वीडियो है, एक में वो 310 मारा था वो उसी ट्रैक का, उसमें उसको मालूम था, और दूसरा वो अवंती लेके भगाया था गाड़ी वो भी वही रोड पे ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसको मालूम था, मालूम था ठीक है, रोड क्या कैसा है क्या नहीं है उसको मालूम था कि कहाँ जाता है। आई थिंक यू ऑल वॉच वीडियो, डोंट स्किप, वॉच फुल वीडियो, यू ऑल नो अबाउट द फुल स्टोरी व्हाट बीआर बाइक का सामी टोल्ड अस, सो वॉच द वीडियो। प्लीज मेरे हिसाब से राइड से पहले गाइड कर देना चाहिए इसका। हाँ हाँ मैं तो पहले ही 2 घंटा बस मैं तो भाई यही बोलूंगा कि अगर देखो गाड़ी मैं भी अभी हाथ से धीरे चलाने वाला हूँ, एंड हेलमेट वगैरह थोड़ा सही से यूज़ करो, प्रोटेक्टिव गियर यूज़ करो, क्योंकि अगर हेलमेट वगैरह सही रहता तो अगस्त भाई भी आज हमारे साथ रहता। एंड जो भी है एक साथ राइड ग्रुप राइड किया करो, अकेले अकेले मतलब दोनों बंदे ऐसे ऐसा दोस्ती ना बनाओ कि भाई जो रोड के भाग जाए आमिर की तरह, मतलब अब तो भाई ये भी चीज़ ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तुम किसी को नहीं बोल सकते कि भाई आज मान लो कि तुम्हारे साथ इसका दोस्ती है, कल अगर ये छोड़ के भाग जाए तुम क्या करोगे, तुमको थोड़ी मालूम चलेगा, पता नहीं होगा ना, किसी को मालूम नहीं चलता है भाई, नोबडी नोस। तो बड़े भाई ये चीज ना एक्सपीरियंस के साथ ना आदमी को मतलब सबक मिलता है, लोगों से मिलने से सब सीख मिलती है, लाइफ सिखाता है, ये जो चीज है ना लाइफ सिखाता है भाई, कोई कोई नहीं सिखाता। बड़े भाई बात सुनो, अब जैसे जानू सर ने एक वीडियो निकाला था ना, बोला था कि आमिर क्या पता डर गया होगा क्या पता, तो जो मतलब बंदा 300 की स्पीड में विली मार रहा है आपको लगता है कि वो डर जाएगा इस चीज़ से? देखो भाई देखो वो एक अलग, वो स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है ठीक है, इसमें क्या पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहता है सारी चीज़ें रहता है। मेरे ख्याल से उसका बाइक अनरजिस्टर्ड था। अच्छा हाँ अनरजिस्टर्ड था, टीसी नंबर पर चल रहा है उसका बाइक ठीक है, ऊपर से रैप होकर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी डर जाएगा भाई कि वहाँ पे अगर एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस ने फोन उठाया कि बोला था कि अब तक एक्सीडेंट हुआ है, तो वो इसलिए मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो यूटर्न जाता, उसको लगा कि अगर मैं गया बाइक लेके मेरा बाइक सीज हो जाएगा, वही किया बाइक बड़ी नहीं है ना जान से किसी की, बट वो उसने वही चीज किया ना, उसने क्या किया पहले बाइक को सेव करा, सेव करा, फिर उसके बाद कार लेके वो लोग स्पॉट पे गए। उसी टाइम पे पता क्या हुआ, उसी टाइम पे ना टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एंड जो बॉडी को एम्बुलेंस में लेके वो लोग चले चले, टाइम में बाइक के लिए सोचते हैं, जान चलेगी, जान बढ़िया बाइक बढ़िया, मैं वही तुमको बता रहा हूँ।
पांच हाथों की जो पांच होगी ये सबकी सोच एक नहीं होती, सबकी सोच एक नहीं होती। तो अब तुम शायद से उस टाइम पे बाइक लेके जाने का सोचते, मैं भी सोचता, उसने नहीं सोचा, या तो फिर उसका कोई दूसरा रीजन हो सकता है। पर जब तक वो सामने नहीं आएंगे सब चीजें क्लियर नहीं होगी, सारे डाउट उसी पर जा रहे, सारी उंगलियां उसी पर उठ रही है। बहुत बड़ा लॉस है देहरादून में, एक ही ब्लॉगर है जिन्हें लोग पसंद करते हैं। नहीं नहीं वो तो बात है भाई, हम उसे पसंद करते हैं, हम प्रो राइडर को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो जहाँ भी रुकता था ना, उसको बोलते थे भाई आपकी ना गाड़ी ना मस्त है, मेरी नहीं है गाड़ी तुम्हारी। मैं बता रहा हूँ वो बंदा जैसे मतलब हैडिश कान वगैरह हो गया, सूरज लोगों से मिला ना भाई, उसके अंदर में एक परसेंट का भी एटीट्यूड नहीं था, कोई एटीट्यूड। जैसे कि देखो कोई गलती भाई किसी के साथ अगर आज अगर मान लो तुम्हारा किसी का नंबर बढ़ गया तो भाई किसी के साथ बात नहीं करोगे, क्यों नहीं होता है? जो दोस्त है वो तो दोस्त ही है, उठाने वाली तो ऑडियंस ही है, बड़ी ही है, रुकरा भी देगी उस हिसाब से। व्हाट योर व्यू गाइस आफ्टर वाचिंग द वीडियो, जस्ट कमेंट्स, इज आमिर रियली गिल्टी फॉर दैट एक्सीडेंट, प्लीज कमेंट।